डेंसर मीडियम जाता है तो वेव फ्रंट किस तरह से मुड़ जाता है और लाइट रे बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसी तरह से लाइट रे जब डेंसर से रेयर जाता है तो वेव फ्रंट मुड़ जाता है और उसके कारण से लाइट रे मुड़ता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सारा पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकंड लॉ बिल्कुल उसी तरह से है जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, थोड़ा सा चेंज है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ लगभग लगभग सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। जो इंटरफेस ऑफ टू मीडिया होगा जहां रेयरर और डेंसर मीडियम मिल रहा है उस इंटरफेस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में होगा। और सेकेंड है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब अगर हमारे पास रेयर और डेंसर मीडियम का जो पेयर है वो गिवन हो तो उसके लिए साइन आई और साइन आर हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। मतलब आई वेरी करेगा, आर वेरी करेगा, लेकिन साइन आई बाई साइन आर वेरी नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ कहलाता है। हाँ सुनना, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक बार जब हमको पता चल गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस कांस्टेंट को जानने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि ये साइन ए बाय साइन आर जो है हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। साइन ए बाय साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वो हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। कितना आया था बताओ? V1/V2। क्या ये V1/V2 आया था? मतलब ध्यान से सोचो, तो अगर फर्स्ट मीडियम फिक्स है, सेकेंड मीडियम फिक्स है, तो फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो भी फिक्स होगा कि नहीं? सेकेंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो भी फिक्स होगा कि नहीं? तो V1/V2 फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया फिक्स होना चाहिए। तो यही होता है स्नेल्स लॉ। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल होता है। इस वैल्यू का, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक शुरू करते हैं, उसका नाम है क्या मालूम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या शुरू कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बताएंगे, ध्यान से सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोगों को बताता है। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, लाइट को कोई मीडियम कितना डेंस लग रहा है वो क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। और उस ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट किससे करते हैं? उस ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि लाइट रे जब किसी मीडियम में जाता है तो उस लाइट रे को वो मीडियम कितना डेंस एक्सपीरियंस होता है। लाइट रे जितना ज्यादा डेंस एक्सपीरियंस करेगा उतना ही उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगा। वो लाइट रे जितना कम डेंस उस मीडियम को एक्सपीरियंस करेगा उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही क्या होगा? लो होगा। और वो मेजरमेंट किससे होता है? उसका मेजरमेंट होता है ऑप्टिकल डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही कम होगा। सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसका माना जाता है? वैक्यूम का, या बहुत उसके क्लोज है एयर का। सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसका हुआ? वैक्यूम का या फिर एयर का। एयर का और वैक्यूम का लगभग लगभग सेम लेते हैं, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, थोड़ा ज्यादा होता है एयर का, लेकिन वैक्यूम का एयर का लगभग सेम लेते हैं। तो ये जो एक स्टैंडर्ड लिया गया कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम सबका ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करें, और इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोग दो तरह का लेते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से सुनना, एन होता है इसका सिंबल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इसको डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। उस मीडियम का जिसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है वो क्या रहेगा? न्यूमरेटर में। ये जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हाउ कैन वी डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन
द मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम का, उस मीडियम में जो स्पीड होगा वो वी डिनोमिनेटर में रहेगा, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में। कोई दिक्कत? ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है? तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा भी तरीका है इसको सोचने का, वो दूसरा तरीका क्या सोचने का, v इक्वल टू c बाई n होगा, ये लिख सकते हैं क्या? तो n वो फैक्टर है जिससे स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाता है। n क्या है? वो फैक्टर है जिससे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए इन कंपैरिजन विथ वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ स्पीड होगा, अब मान लो n 2 हुआ तो दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, c बाई 2, मतलब 2 से दो से वो क्या हो गया, दो के फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट कम। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁸। अगर y2 हो गया तो स्पीड क्या, 1.5 × 10⁸ हो गया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या आधा हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट आधा हो गया। वो जो फैक्टर है आधा हो गया 2, जिससे वो डिवाइड होने से नया स्पीड मिल जाता है, मीडियम में स्पीड मिल जाता है, वो n ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So we can also define refractive index as the factor by which speed of light decreases in a medium with respect to speed of light in vacuum. Is it clear? Speed of light in vacuum के respect में जितने जिस factor से speed of light decrease कर जाए किसी medium में, वही factor क्या कहलाएगा? Refractive index. Clear है? जैसे example ले लेते हैं, मान लो किसी medium का refractive index 2 है, तो उसमें अगर स्पीड निकालना हो तो v इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट बाय 2 कर देंगे, तो ये उस मीडियम में रिफ्रैक्ट, उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ वी कम टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग दो तरीके का सिंबल यूज करते हैं, n12 ऐसे भी लिख सकते हैं और n12 ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इस वाले सिंबल को यूज करेंगे। तो n12 जब ऐसे लिख रहा है इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, राइट? मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, n12 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 का। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 का, और किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट। अब देखा क्या करते हैं, n12 जब लिखना हो तो हम लोग इससे हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका स्पीड क्या डिनोमिनेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 2 के रेस्पेक्ट, तो क्या वो v2 ऊपर होगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वो कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, और जिसका निकाल रहे हैं वो कहाँ रहेगा, ये स्पीड के टर्म्स में बात है, v1 है ना, v2 बाई V1, ये n12 हो गया, ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उसी तरह से अगर हमको डिफाइन करना हो n21 क्या लिखेंगे, n1 by v1 by v2, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए v2, और किसके रेस्पेक्ट में है, 1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए न्यूमरेटर में v1। कोई दिक्कत? रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। अगर मान लो एक मीडियम 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाए n1, तो क्या उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा, c by v1 बताओ कि नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 n2 निकालना हो तो क्या वो c by v2 होगा? ये हम लोग निकाल दिए, उसके बाद हम लोग को निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, बताओ क्या होगा? n21 हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पहले से ही, क्या ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है v2, और फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में है तो v1 ऊपर में आ गया, आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या कर सकते हैं, v1 / v2 ऐसा कर सकते हैं क्या? ऊपर में हम अगर ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो,
तो ये जो चीज है इसी को n2 कहते हैं, और ये जो चीज है वो 1 बाई n1 कहलाएगा। n1 को उल्टा करोगे तो यही मिलेगा, और ये n2 हुआ। अब ध्यान से देखो तो क्या आया, ये n2 बाई n1 आया, यही n21 है कि नहीं है? Yes. अब देखना ध्यान से, n21 का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक v1 बाई v2 और एक n2 बाई। यहां ध्यान देने की जरूरत है, उल्टा हुआ तो गड़बड़ हो सकता है, तो ये गड़बड़ नहीं हो इसके लिए यहां ध्यान देना है। हम लोग हमने कहा है कि स्पीड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसका स्पीड डिनोमिनेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसका स्पीड न्यूमरेटर में। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में वही जब लिखेंगे तो उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। एन टू वन इक्वल टू एन टू बाई एन वन, और वी टू नीचे रहेगा, वी वन ऊपर रहेगा, वी वन बाई वी टू, ये ध्यान रखना है, ये याद रहेगा। क्या उसी तरह से अगर हम एन वन टू निकालना चाहें तो एन वन टू क्या होगा, एन वन टू होगा वी टू बाई वी वन, होगा कि नहीं? फिर से हम लोग वही काम करते हैं, वी टू बाई इन टू समथिंग बाई वी वन, ऐसा करेंगे, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, क्या ये सी बाई वी वन होगा? वो एन वन है और ये एन टू का रेसिप्रोकल है, तो एन वन बाई एन टू, यही एन वन टू हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो इसका भी दो फॉर्मूला हुआ, एन वन बाई एन टू और वी टू बाई वी वन। फिर से ध्यान से देखो, वही रूल फॉलो हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो स्पीड ऑफ मीडियम वन नीचे है और स्पीड ऑफ मीडियम टू ऊपर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एग्जैक्टली उल्टा रिलेशन, ये समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से देखो, वो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसको डायरेक्टली बनाया जा सकता है। अगर एन ऑफ ग्लास 3 बाई 2 है और एन ऑफ वाटर क्या है 4 बाई 3, तो एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना हो तो क्या डायरेक्टली एन ऑफ ग्लास बाई एन ऑफ वाटर कर दिया जाए? एन ऑफ ग्लास क्या 3 बाई 2 और एन ऑफ वाटर क्या 4 बाई, क्या 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 होगा, और 2 नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, 9 बाई 8, वही आंसर आया जो पिछली बार आया था। तो वो क्वेश्चन वेलोसिटी से भी बना सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हेल्प से भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? और जल्दी से लिखिए।